61 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। तो हमें स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ना है और उसके बाद जो ब्लैंक है उसको फिल करना है। राम क्वालिफाइड डैश एन इंजीनियर बिफोर अटेंडिंग अ बिजनेस स्कूल। मतलब राम ने इंजीनियरिंग जो है वो क्वालिफाई किया था कब, जब वो बिजनेस स्कूल को अटेंड किया, यानी मे बी हो सकता है एमबीए करने गया, तो उस टाइम पे वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर रहा था, कर चुका था। तो सिंपल सा हमें क्या भरना है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा आंसर होगा, राम क्वालिफाइड फर्स्ट एन इंजीनियर बिफोर अटेंडिंग बिजनेस स्कूल। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट नहीं होगा, एज होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि राम क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर, फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो सिंपल सा आंसर होगा हमारा एज। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ 45? 45 का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज जान लेते हैं हम। तो इसका मतलब होता है दृढ़ होना या दृढ़ करना किसी चीज को, ठीक है। तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा टफन, टफ का मतलब भी होता है दृढ़ होना या दृढ़ करना, ठीक है, मजबूत होना एक तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो शैप, लेकिन उसके हमारा आंसर तो डी होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं शैप का क्या मतलब होता है। तो जो शैप है इसका मतलब होता है पौधे का रस, पौधे का रस, जो रस हम पीते हैं उसे सूप कहते हैं, और जो पौधे का रस होता है उसे शैप कहते हैं। इनकम्बर का मतलब क्या होता है, इनकम्बर का मतलब होता है एक तरह से आप कह सकते हो उलझाना या उलझना या उलझाना आप कह सकते हो, ठीक है। डेबिलिटेट का मतलब होता है दुर्बल होना, दुर्बल यानी कमजोर होना, दुर्बल का मतलब हो गया कमजोर होना, ठीक है, कमजोर होना, वीक, डेबिलिटेट, क्योंकि ये सब आपके मीनिंग में फिर से पूछे जा सकते हैं एज ए सिनोनिम। तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। अ पर्सन हु वांट्स टू सबवर्ट, देखो सबवर्ट का पहले तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए ऑब्लिक एन। तो वो जो इंसान है जो सबवर्ट होता है, सबवर्ट का मतलब होता है पलटना, ठीक है, पलटना, ठीक है। अ पर्सन हु वांट्स टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट को पलटना चाहता हो, एक गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पलटने का मतलब समझते हो कि मान लो कि किसी की गवर्नमेंट बनी हुई है और उसमें 300 प्लस एमएलए हैं, ठीक है, और उनमें क्या है कि तो 240 या 250 एमएलए जो है वो मैंडेटरी हैं। मान लो 250 मैंडेटरी हैं आपकी गवर्नमेंट बनने के लिए। अब इसमें से क्या हो गया कि 49 एमएलए जो हैं, या कह सकते हो हाँ 49 एमएलए पहले ही निकल चुके थे, एक बंदा बचा था, यानी कि आपके पास बचे थे कितने, 250 बचे थे। इसी 250 में से एक बंदा जो है वो बाहर निकलना चाहता हो तो ये तुरंत गवर्नमेंट पलट देगा, क्योंकि इनके पास बहुमत होने के लिए 250 होने चाहिए, अभी इनके पास कितने हो जाएंगे, 249, तो वो गवर्नमेंट पलट देगा, यानी कि अब वो जिसके पास जाके जुड़ जाएगा उसका हो जाएगा, उसकी गवर्नमेंट बनने की चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पलटना होता है या गवर्नमेंट पलटने वाला होता है उसे हम कहते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, अराजकवादी, मतलब वो गवर्नमेंट को अराजकता फैलाना चाहता है, उसे बोलते हैं अराजकवादी। क्लियर हो गया। अब बाकी जो है उनको हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन तो हमारा क्या उनसे सही होगा, ऑप्शन हमारा सही होगा 63 का डी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं एनालिस्ट का क्या मतलब होता है। तो एनालिस्ट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में एनालिसिस करने वाला, ठीक है। एंटी क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह का शत्रु, ईसा मसीह का शत्रु, ईसा मसीह का क्या होता है, शत्रु होता है। एमिनिस्ट का मतलब होता है जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जब आप पेडागोजी का सेक्शन पढ़ोगे तो जो बच्चे होते हैं वो अपने टेडी के साथ, जो उनका टेडी होता है, टेडी बियर जो होता है, उसको वो समझते हैं ना कि उनमें जान है, आप उस बच्चों को मारोगे तो वो बच्चे खुद रोने लगते हैं, उस टेडी को मारोगे तो बच्चे रोने लगते हैं, तो इसे बोलते हैं एनिमिस्ट। मतलब वो निर्जीव वस्तुओं में भी जान की तरह बिहेव करते हैं, वो बच्चे जैसे उनसे उनका गुड्डी ले लो, उनका गुड़िया ले लो, उनसे छीन लिए, उनको मारोगे तो उनको लगता है कि उनमें, उनके गुड्डे को, उनके गुड़िया को चोट लग रहा है, जिसकी वजह से वो खुद रोने लगते हैं। तो ऐसे करेक्टर को जब कोई इंसान जीववादी हो, मतलब हर चीज में उसे जान दिखाई दे, उसे एनिमिस्ट बोलते हैं। जिसे हर चीज में क्या हो, जान दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमिस्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द एलिमेंट सॉरी स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब क्या होता है, फॉसिल्स का मतलब होता है
ये जो एक तरह से आप कह सकते हो कि बची खुची चीजें जो होती हैं, देखो एग्जैक्ट इसकी मीनिंग मुझे याद नहीं आ रही है दिमाग में, फॉसिल का मतलब होता है ना जीवाश्म। हाँ देखो इसे बोलते हैं जीवाश्म, जैसे जो दबे हुए होते हैं या हड्डियों को जलाना या बहुत सारे जो जीवों के से बचे हुए चीजें होती है, फ्यूल्स होते हैं, रिलीजेस हार्मफुल। तो द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स रिलीजेस हार्मफुल, क्या चीज को ये नुकसान पहुंचाते हैं या क्या चीज को ये रिलीज हार्मफुल करेंगे, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये रिलीज करती हैं जो फॉसिल्स होते हैं। जब भी कोई भी जीवाश्म को आप जलाओगे तो वो रिलीज करेगा ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब गैसेस आती हैं ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई फॉसिल्स हम जलाएंगे तो वो ग्रीन हाउस गैस में ना काफी सारी गैसेस आ जाती हैं। केवल आप ये कहोगे पेट्रोलियम केमिकल्स तो ये अधूरा हो जाएगा, ऑयली सब्सटेंस ये भी अधूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, ग्रीन हाउस गैसेस उसमें ये भी आ जाएगा, ये भी सब आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बेटर ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है बुरा आदमी। ठीक है, बुरा आदमी या बुरा व्यक्ति, अधम जिसे बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में, अधम, अनाचारी, अत्याचारी, इस तरह से जैसे रावण था। ठीक है, अब इसका सिनोनिम बताना है, क्या होगा इसका सिनोनिम। तो सबसे पहले याद रखिए कि जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, दुखी करने वाला। क्लियर हो गया। अब बात आती है जोवियल का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए इसका मतलब होता है उल्लासपूर्ण, खुशी, आप लिख सकते हो खुशी। ठीक है, बोयांट का मतलब होता है प्रसन्न चित्त, इसका भी मतलब होता है खुशी या प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त। चित्त का मतलब होता है कि मन। जाउंटी का मतलब होता है अल्हड़, जिसे अल्हड़ गंवार बोलते हैं ना लोग, अल्हड़ गंवार, जिसके पास नॉलेज ना हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जाउंटी। तो बाकी हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक। अ रिपोर्टेड हैज रिवील्ड दैट मेन आर पेड हायर एंड रिसीव बिगर बोनस देन वुमेन। ठीक है, तो क्या चीज आदमियों को ज्यादा पेड किया जाता है और वो ज्यादा बोनस भी अचीव करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वुमेन के रिस्पेक्ट में, यानी औरतों के रिस्पेक्ट में जो आदमी होते हैं वो ज्यादा सैलरी पे होते हैं और उनको ज्यादा बड़ा बोनस भी मिलता है। तो हम यहां पे लिखेंगे मेन आर पेड हायर सैलरीज एंड रिसीव बिगर बोनस देन वोमेन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट वाज द क्लोजेस्ट एसोसिएशन विद द फॉलोइंग वर्ड। देखो कहीं भी क्लोजेस्ट एसोसिएशन अगर आपसे बोलता है, इसका मतलब भी होता है सिनोनिम। इसका मतलब क्या हो गया, सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है तो ये भी ध्यान दीजिएगा, क्लोजेस्ट एसोसिएशन कहीं भी आपसे पूछा जा रहा हो उसका मतलब होता है सिनोनिम। अब देखो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है कि आवाभगत करना, स्वागत सत्कार करना, आवाभगत करना, पता नहीं कैसे लिखा था, आवाभगत, स्वागत करना, स्वागत करना, ठीक है, वेलकम करना आप बोल सकते हो। तो जो आवाभगत करता है या किसी चीज का स्वागत करता है वो होता कौन है, तो वो एक्चुअल में होस्ट होता है। थेरेपिस्ट होगा नहीं, डॉक्टर होगा नहीं, हॉस्पिटल कभी हो ही नहीं सकता है, होस्ट करने वाला जो होता है वही करता है आवाभगत और स्वागत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डैश कैन टेक द प्लेस ऑफ कंजंक्शन एंड आर प्लेस्ड बिफोर इंट्रोडक्टरी वर्ड लाइक। कौन सा ऐसा वर्ड है इनमें से, या कौन सा ऐसा, देखो यहां लिखा है सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, एपोस्ट्रॉफी, पैरेंथीज, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कोष्टक। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कोष्ठक, कोष्ठक होता है या कोष्ठक होता है आई डोंट नो, बट इस तरह से ये सब होते हैं, है ना, इसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, ये लार्ज ब्रैकेट है आपका। तो कॉलन्स जो होता है, यानी कॉलन्स जो होंगे, अपोस्ट्रॉफी जो होती है इस तरह से होती है, सेमी कॉलन जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा सिंबल है जो देयर फोर, हाउ इवर, they are also used to separate a list of things if there are commas within each unit. ठीक है, तो कौन सा ऐसा वर्ड है या कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो सेमी कॉलन जो होता है
उनको हम यूज कर सकते हैं देयरफॉर और हाउएवर के भी पहले हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब पहले आप जान लीजिए, एक्रीमोनियस का मतलब होता है उग्र, यानी कि बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला। उग्र का मतलब होता है बहुत ज्यादा लड़ाई करने वाला, ठीक है। दिया गया हारमोनियस, तो देखिए हारमोनियस जो होता है, पहले तो हमें इसका एंटोनिम बताना है। तो उग्र का मतलब होता है क्या, लड़ाई करने वाला। हारमोनियस का मतलब होता है सामंजस्य बैठाने वाला, सामंजस्य बैठाने वाला या सामंजस्य पूर्ण आप कह सकते हो। तो ऑप्शन जो होगा वो 69 का ए सही हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन हमारा बचता है अभी एक चीज, जस्ट वन थिंग, हमारा एक चीज बचता है क्या कि रैनकोरस, कैलस एंड इम्प्लेसिबल, इन सब का मतलब क्या होता है। तो देखिएगा, रैनकोरस का मतलब होता है विद्वेष, यानी कि शत्रुता की भावना रखना, शत्रुता की भावना रखना, शत्रुता की भावना रखना, ठीक है। कैलस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बेरहमी। तो ये दोनों जो हैं वो उग्र के सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इफिनिटिव फ्रेज। इफिनिटिव फ्रेज जो होता है उसका मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, सिंपल है। पहली चीज तो मैं फ्रेज के बारे में बता दूं, तो आपको मैंने आपको बताया फ्रेज क्लॉज जो होते हैं, इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज मैंने आपको बताया। तो पहले तो हम यही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब इफिनिटिव फ्रेज का मतलब होता है जो कि निश्चित ना हो, मतलब उसका जो सब्जेक्ट हो वो निश्चित ना हो। तो माई ब्रदर में सब्जेक्ट निश्चित है, डोलू एंड बोलू में भी सब्जेक्ट निश्चित है, सिमोन में सब्जेक्ट निश्चित है, एवरी बॉडी में कोई भी सब्जेक्ट जो है, यानी कि कौन है ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। या आप कह सकते हो कि जो इफिनिटिव फ्रेज होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कॉमन नाउन की तरह यूज होता है। कैसा यूज होता है, कॉमन नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। कॉमन नाउन में भी किस तरह से कि उससे किसी चीज के डिफाइन ना हो, जैसे ब्रदर भी कॉमन नाउन है बट इससे डिफाइन होता है किसी एक पर्सन के बारे में, इसमें एक पर्सन के बारे में नहीं, एवरीबडी मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, लव्स टू वॉच मूवीज, क्लियर हो गया। अगला है, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। द स्किन ऑफ अ स्नैक इज नॉट रफ और स्लिमी, इन फैक्ट इट इज क्वाइट ड्राई एंड, तो यहां पे हो जाएगा स्मूथ होगा, क्योंकि क्वाइट ड्राई एंड क्या हो सकता है, एंड साथ ही साथ उसमें क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, स्मूथनेस होती है, रफ नहीं होता है, इसकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सेरेमोनियस। वाह क्या आजकल इस पेपर में कितने अच्छे अच्छे चीजें पूछी जा रही हैं। सेरेमोनियस का मतलब होता है औपचारिक, औपचारिक, ठीक है। अब इसका हमें बताना है एंटोनिम, तो औपचारिक का क्या हो जाएगा, निरौपचारिक, क्या हो जाएगा, निरौपचारिक, ठीक है। औपचारिक का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट ना हो या नॉर्मल फॉर्म में वो चीजें चल रही हो। तो पॉम्पस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए, गर्वित होता है, ठीक है। फॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल, एंड इनफॉर्मल का मतलब होता है जो कि नॉर्मल ना हो। तो देखो औपचारिक का मतलब आपको बताया ना कि नॉर्मल फॉर्म में चल रही हो, जो चीजें नॉर्मल फॉर्म में चल रही हो। तो इनफॉर्मल का मतलब होता है जो फॉर्मल ना हो, यानी नॉर्मल फॉर्म में ना चल रहा हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, 72 का सी, ठीक है। मोमेंटस का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द स्टेटमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आई वुड नॉट लेंड यू माई कार, ठीक है, आई वुड नॉट लेंड यू माई कार, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं यू प्रोमिस टू ड्राइव केयरफुली। आई वुड नॉट लेंड यू माई कार अनलेस यू प्रोमिस टू ड्राइव केयरफुली, मैं अपने कार को तुम्हें ले जाने या कह सकते हो कि आपको दूंगा नहीं कब तक, जब तक तुम ये प्रोमिस नहीं कर देते हो कि आप अच्छे से चलाओगे। तो अनलेस हम यहाँ पे लगाएंगे, इनकेस नहीं लगेगा, एक्सपेक्ट भी नहीं लगेगा, अनलाइक भी नहीं लगेगा, अनलेस लगेगा। What is the synonym of cautious? देखो कितना अच्छा पूछा गया है, तो cautious का मतलब होता है सतर्क होना,
अलर्ट होना, ठीक है, अलर्ट होना, आप लिख सकते हो अलर्ट होना, ठीक है, अलर्ट होना। अब इसका मतलब क्या हो गया, कैलस का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है क्या होता है, बेरहम होता है या बेरहमी से होता है। केयरफुल का मतलब होता है किसी चीज की केयर करने वाला, केयरलेस का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो कैजुअल का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर जो होगा भैया, अलर्ट का आंसर हमें सिनोनिम बताना है तो केयरफुल हो जाएगा, अलर्ट का क्या हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वैलियंट, वैलियंट का मतलब क्या होता है। देखिए वैलियंट का मतलब होता है बहादुर, क्या होता है, बहादुर, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमें बताना है इसका एंटोनिम, तो बहादुर का जो एंटोनिम होगा वो होता है कायर या डरपोक। तो कॉवर्डली मतलब होता है कायर या डरपोक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बट इंपरवियस का मतलब क्या होता है, इंपरवियस का मतलब होता है प्रभावशाली, आप लोग लिख लीजिएगा ये सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनडाउंटेड का मतलब होता है निडर, ठीक है। तो बहादुर का अगर हमसे सिनोनिम पूछता तो अनडाउंटेड होता, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है क्या एंटोनिम, तो कॉवर्डली का मतलब होता है कायर, कायर या डरपोक, क्लियर हो गया। अब देखो इंट्रीपिड का मतलब भी होता है निडर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए, ये भी और ये भी एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। तो आप लोग ऐसे नोट कर सकते हो, सिनोनिम, सिनोनिम का सेक्शन बना के आप उसमें लिख सकते हो, जब भी मैं पढ़ाता हूं आपको खुद उसमें से आपको मिल जाएगा। तो सिनोनिम यानी वैलियंट, वैलियंट का सिनोनिम होगा अनडाउंटेड, यही चीजें आपको फिर एग्जाम में घूम के आ जाती हैं, अनडाउंटेड, और अनडाउंटेड से क्या हो जाएगा फिर आपका इंट्रीपिड, इंट्रीपिड, और इन सब का मतलब क्या होता है निडर, इन सब का मतलब क्या होता है निडर यानी बहादुर, क्लियर। चलिए पैसेज के ऊपर चलते हैं, स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव इंडियन एयरफोर्स या कुछ करेंसीज के बारे में इसमें पूछा गया, बहुत नॉर्मल है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इतना बड़ा पैसेज पढ़ने से अच्छा है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो लिखा गया स्टोन लेइंग सेरिमोनियस बीइंग हेल्ड मींस दैट, सेरिमोनियस का मतलब अभी मैंने आपको बताया है क्या होता है नॉर्मल वे में, ठीक है। तो अब ये जो हेल्ड है इसका मतलब क्या होगा, ये आगे हम पैसेज पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है मार्च 2014 में जो फ्यूल का एविएशन था, ठीक है, जो एविएशन फ्यूल था यानी कि जो हमारे विमान में यूज होता है उसकी प्राइस क्या थी मार्च 2014 में, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद हमसे पूछा गया विच फैक्टर हैव मेड द स्ट्रगल टू सर्वाइव फॉर एविएशन कंपनीज, जो मतलब विमान की कंपनियां होती हैं उसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो सर्वाइव करने के लिए मजबूर कर देता है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, कहां से सर्वाइव वाला वर्ड आएगा हमारे पास उसको भी देखेंगे, कौन सा स्टेटमेंट सही है एयरलाइंस के रिस्पेक्ट में, तो वो भी हम लोग देखेंगे, स्टेटमेंट तो बाद में देख सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज, तो ये जो पैसेज है वो किस रूप से आप इसको देख पा रहे हो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले पैसेज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से दो ही क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के समझ में आए। स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, पहले ही दे दिया स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, इंडियन एयरलाइन कंपनीज कुड सी द स्टीपेस्ट, स्टीपेस्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, स्टीपेस्ट का मतलब होता है तेजी से, क्या होता है तेजी से। हाइक का क्या मतलब होता है, तो हाइक का मतलब होता है वृद्धि करना, हाइक का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ना, ठीक है। तो इंडियन एयरलाइन कंपनीज कुड सी द स्टीपेस्ट हाइक इन जेट फ्यूल प्राइस इन रीसेंट टाइम्स ऑन मंडे विद ऑयल कंपनीज इनफॉर्मिंग देम ऑफ एन ओवर 7% इंक्रीज फॉर अक्टूबर रेट, तो एक देखो एक का आंसर तो हमें यही मिल गया, 7% रेट जो है वो बढ़ने वाला है, यहां आ जाओ ये देखो पूछा गया विच फैक्टर हैव मेड टू स्ट्रगल टू सर्वाइव फॉर एविएशन कंपनीज, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उन्हें सर्वाइव करने के लिए मजबूर कर रहा था, तो कौन सी चीज ऐसी है जो सर्वाइव करने के लिए मजबूर कर रही थी, तो 7% इंक्रीज इन ऑयल प्राइस एंड क्रैशिंग रूपी, ये जो है ना ये हमको क्या कर रही थी सर्वाइव, 7% हाइक इन फ्यूल प्राइस एंड लैक ऑफ एयरपोर्ट, नहीं
ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ रही थी। हम फिर से देख लेते हैं इस सेंटेंस के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑयल कंपनीज हैं ये इन्फॉर्म कर रही हैं उनको, यानी कि जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनको इन्फॉर्म करनी है 7% इंक्रीजेस फॉर अक्टूबर रेट्स। एयरलाइन सोर्स से एविएशन टर्बाइन फ्यूल ETF एक्सचेंज ट्रेड इन फंड्स, मतलब समझ लीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा शिखर धवन वाला जो एड आता है, विल कॉस्ट अबाउट ₹74,530 किलोलीटर इन दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन लग चुका है, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दिस लेबल वॉज लास्ट सीन इन मार्च 2014 एंड इट जस्ट शॉर्ट ऑफ ऑल टाइम हाई फॉर 7789 रुपी इन दिल्ली इन अक्टूबर 2013। ठीक है, जो अक्टूबर है 2013 का उसमें 77,000 कितने रुपए देखे गए थे, 77,000 आपके 89 रुपए देखे गए थे कब। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, चलो आ जाते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा। व्हाट वर द प्राइस ऑफ एविएशन फ्यूल इन मार्च 2014, तो क्या था, देखो अभी हमने पढ़ा 77,089 रुपए जो प्राइस थी वो थी। ठीक है, तो 77 का क्या हो जाएगा हमारा, ये 77,089 रुपए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पढ़ते हैं थोड़ा। लिखा क्या है, इन ट्विन इंपैक्ट 7.3 हाइक का मतलब होता है वृद्धि इन ATF, यानी ATF का मतलब हो गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड क्रैशिंग रूपी is going to be devastating for us as most costs of airline like aircraft lease, rentals and maintenance contracts are in dollars. Oil companies have informed us to stipaste का मतलब होता है कि जो भी तेजी से वृद्धि हो रही है, in recent time from Monday, jet fuel price in India for domestic flights are already the highest globally, said the airline official. An airline like Air India expects ATF cost to rise by 65 crore rupees this month. All India, which has an annual fuel bill of 8,500 crores. Has about 15 domestic market share. ये सब से हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, यहाँ पे आ गया, इंडिगो हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्यूल सरचार्ज फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑफ 200 एंड 400 फॉर फ्लाइट्स ऑन सेक्टर्स बिलो। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जो पैसे बढ़ाए गए थे वो कितने थे, 200 रुपए थे, किसके लिए, ओवर 1000 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर वो सेक्टर फ्लाइट्स हैं ठीक है, तो 400 रुपए थे, और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए क्या था, 1000 किलोमीटर के लिए 200 रुपए बढ़ाए गए थे, कब, 30 मई 2018 को। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो 77 हमारा हो गया है, 78 हो गया है, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा देख लेते हैं थोड़ा सा, डोमेस्टिक फ्लाइट का हमसे पूछा गया, हाँ यहाँ पे है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यहाँ पे लिखा गया एयरलाइंस हैव लीव द फ्यूल सरचार्ज 200 ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड सेक्टर ओवर 1000 किलोमीटर। तो 79 का जो सी है ये सही नहीं है, ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो 78, 79, 77 हो चुका है। 76 क्या है, स्टोन लेइंग सेरेमोनियस being held, तो अभी तो ये सेंटेंस ही नहीं है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए तो लिखा गया एट द टाइम ATF वॉज एट, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें स्टोन लेइंग से मतलब, देखिए यहां पे आ गया एयरलाइन लिविंग फ्यूल सरचार्ज कुड हाइक एंड सेम अदर्स विल स्टार्ट लिविंग द सेम इफ दे वॉन्ट टू अवॉइड किंग फिशर लाइक फेट, सेड एन ऑफिशियल। ठीक है, तो जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 76 का जो सेंटेंस सही होगा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकिंग एयरपोर्ट हैज बीन टेकन। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं पैसेज, आप पूरा पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आएगा। एयरलाइंस आर फ्यूमिंग
as they do not understand why the government did not augment airport infrastructure at choked hub like Delhi, Mumbai, which needed a second airport 5 years back. Okay? We waste tons of fuels hovering in place like these. मतलब हम क्या करते हैं, अगर जगह नहीं होती है लैंड कराने के लिए तो हम अपनी जहाज को उड़ाते हुए यानी कि मंडराते रहते हैं, और उससे ज्यादा उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा टनों में अपने फ्यूल को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं. द गवर्नमेंट वॉज जस्ट हैप्पी बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडिया बींग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट बट डिड नथिंग अबाउट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो था इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो जो स्टेटमेंट था वो हमारा था. नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा है, आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड दैट इट इज. तो जब हम पैसेज पढ़ लेते तो क्या होता है, ये क्या है, एन आर्टिकल ऑन द वोज ऑफ एयर इंडिया ऑफिशियल्स. नहीं, ये है, ये फ्यूल प्राइस के ऊपर पूरा आर्टिकल है, क्योंकि हम हर जगह फ्यूल प्राइस के ही बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना. तो अ रिपोर्ट ऑन द इंक्रीज ऑफ फ्यूल प्राइस, फ्यूल प्राइस के ऊपर पूरा का पूरा रिपोर्ट यहां पे सबमिट किया गया है, ठीक है. चलिए, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 आपके सामने है.